तो गाइस मैं अभी गुरुद्वारा पहुंच चुका हूं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते सभी को, एंड होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और स्वागत है एक बार फिर से सूरज ब्लॉग्स में। एंड गाइस आज है संडे और घर में अभी पावर कट हो चुका है, घर में नहीं पूरा सिक्किम में पावर कट हो चुका है गाइस फॉर 3 डेज, 8 तारीख, 9 तारीख एंड 10 तारीख। और आज है लास्ट डेट 10 तारीख, जिसमें और पावर कट का टाइमिंग था गाइस 8 बजे से शाम का 4 बजे तक। बट गाइस ये क्या बोलूँ मैं, लाइट तो इतना धोखा दे रहा है कि 4-4 घंटा लेट आ रहा है रात को। सो घर में बैठे बोर हो रहा था गाइस, तो सोचा क्या किया जाए। तो अभी तक मैंने अपने ब्लॉग में गुरुद्वारा का एक्सप्लोरिंग वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाया है, गुरुद्वारा नहीं गया है। और वेदर तो गाइस सच में बोलूँ तो बहुत दिनों से काफ़ी ख़राब हो रखा है, बट फिलहाल आज वेदर नॉर्मल सा है गाइस, घाम भी नहीं है, पानी भी नहीं पड़ रहा। सो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को गुरुद्वारा घुमाया जाए, तो फिलहाल जा रहा हूँ, बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू दाजू। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी से उतर के देवराली पहुंच चुके हैं, एंड अभी मैं देवराली में हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड ये है हमारा देवराली का छोटा सा फ्लाईओवर, बटरफ्लाई फ्लाईओवर गाइस, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रस्टिंग वगैरह लग चुका है। सो यहाँ से अब गुरुद्वारा हम लोग जाएंगे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स टाइम लगेगा। सो चलते हैं गुरुद्वारा एंड देन दिखाता हूँ आप लोग को कैसा है वहाँ का नज़ारा, वहाँ का सीन और पाजी का जगह। जी हाँ गाइस, वहाँ पे पगड़ी लगा के जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, एकदम फील आता है मस्त वाला। और गाइस काफ़ी दिन हो गया था यार कोई ब्लॉग्स वगैरह उतने अच्छे से ना बनाया हुआ, जस्ट बिकॉज गाइस अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो 2 ही 3 कारण हो सकता है उसका गाइस फिलहाल। तो एक तो सबसे मेजर कारण है मेरा स्कूल, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा बनाने का, एंड आज काफ़ी दिनों बाद संडे है तो टाइम मिला। बाकी मैंने बीच में अपना एक बर्थडे वाला ब्लॉग एंड छठ पूजा जो हुआ था हम लोग का उसका भी छोटा सा वीडियो बना के दिखाया आप लोग को गाइस, होप आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर 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 जाके देखिएगा, बिकॉज उससे आप लोग को ये ज़रूर पता चलेगा कि गैंगटॉक में कितना अच्छा छठ पूजा बनता है। जी हाँ गाइस, ठाकुरबाड़ी में हम लोग ने छठ पूजा बनाया, मेरा घर में तो नहीं बना गाइस, बिकॉज ये वाला जो छठ है वो सब कोई नहीं करता, बट हाँ बहुत कोई भी करता है, बिकॉज कोई भी छठ पूजा छोटा नहीं होता गाइस, पूजा है तो सब बड़ा ही होता है, एंड इसमें बहुत मज़ा आया। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा, एंड इसका वे देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस बस एक ही दुआ कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल भगवान से कि पानी ना पड़ जाए यार, बिकॉज वेदर आप लोगों को दिखाऊँ तो यार इतना सन्नाटा हो रखा है बादलों में कि कब टिप टिप बरसा पानी हो जाएगा गाइस पता ही नहीं चल रहा। लेट्स सी, वो तो अब यार अभी ही मुझे डर लग रहा है गाइस ये पानी का, तो जल्दी से चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर, दिखाते हैं आप लोग को गुरुद्वारा घंटों का, एंड देन इंजॉय करते हैं थोड़ा सा, और फटाक से गाइस पानी पड़ने से पहले हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो गाइस बने रहेगा लास्ट तक, बहुत मजा आएगा। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे ए नबी तू। तो गाइस हम लोग गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं, एंड यहां से मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा। मैं अभी गुरुद्वारा पहुंच चुका हूं, एंड अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे। और गाइस लगता है हम लोग ने पानी को कुछ ज़्यादा ही याद कर लिया, सो दैट पानी भी
बुलावा आया है तो आ ही जाता हूँ सोच के, पढ़ना स्टार्ट हो चुका है गाइस। पानी देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। तो विदाउट डिले गुरुद्वारा के अंदर घुसते हैं और जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ दिखा पाऊँ, वहाँ पे कैसे सरदा वगैरह होता है सब, वहाँ पे मतलब कैसे भंडारा चलेगा एंड पूजा होगा, और वहाँ पे जो एक हलवा मिलता है गाइस प्रसाद के रूप में वो बहुत टेस्टी होता है एंड मैं बचपन में वही खाने आया करता था गाइस। आज भी ऑफकोर्स वो खाने आया ही हूँ गाइस, खाने बस नहीं गाइस थोड़ा इन्जॉयमेंट एंड आप लोग को भी दिखाने आया हूँ। तो गाइस बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा एंड चलते हैं अब गुरुद्वारा का अंदर गाइस। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सो गाइस अभी हम लोग गुरुद्वारा से बाहर निकल चुके हैं एंड गाइस ज़्यादा तो नहीं दिखा पाया आप लोग को बिकॉज यहाँ पे वीडियो बैरियर था, वीडियो बनाना मना था, फिर भी गाइस इतना पॉसिबल हुआ मैंने दिखाया एंड बहुत मज़ा आया गाइस। छोटे ही ज़्यादा देर नहीं रहा गाइस, मैं 40 to 50 minutes बस रहा एंड वहाँ पे मुझे प्रसाद वगैरह मैंने खाया एंड थोड़ा देर बैठा और हलवा भी खाया गाइस एंड अंदर का सीन भी आपको ज़्यादा तो नहीं छोटा मोटा दिखा पाया गाइस बिकॉज ऑफ वीडियो। तो होप आप लोग को मज़ा आया होगा एंड इसी तरह गाइस देखते रहेगा वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।